पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता अनिल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। मेरा परिवार मुंबई से मंडी आया तो बिजली विभाग रोज बिजली काट परेशान करता रहा। पूरे शहर में बिजली होती थी, सिर्फ मेरे घर में नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस तरह प्रताड़ित करने के बजाय विकास की तरफ ध्यान दें, सिर्फ 2 साल बचे हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि राजनीति हम कहां करेंगे नहीं बताएगा। मैंने व मेरे परिवार ने गलत किया था, लोकसभा चुनाव में जनता ने हिसाब पूरा किया। अनिल ने कहा कि जनता जो तय करेगी उसी दल में रहूंगा। बेटे का फैसला गलत था, युवा कई बार रास्ता भटक जाते हैं, यही बात मुख्यमंत्री को कही थी। राजनीति के लिए परिवार नहीं बंटेगा, बेटे को टिकट मिला तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा में जाने का फैसला मेरा नहीं, मेरे बेटे आश्रय शर्मा का था। अनिल ने कहा कि काफी समय से राजनीति से दूर था हमारा परिवार, इससे पहले कई बार गिरे कई बार उठे हैं। इस बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई, मैंने काम करना चाहा, मुझे शेरी मंच पर जलील किया गया। अनिल शर्मा ने कहा कि चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं है, विधानसभा चुनाव में जनता को बिना पूछे फैसला लिया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 3 साल से सदर हलके में कोई काम नहीं हुआ, विधानसभा में चुप रहना मेरी कमजोरी नहीं है, भाजपा से जुड़ा हूँ, पार्टी चाहे निष्कासित कर दे, मेरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विरोध नहीं, अधिकारी व कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। जनता से पूछ कर नहीं लिया ये फैसला मेरे पिताजी और मेरे बेटे ने लिया, और क्या वो लोग दोषी नहीं है इस बात से? मैंने रिजाइन दे दिया, इसलिए रिजाइन दे दिया कि जो जो है मेरी वजह से, यदि सरकार को कोई बात हो तो पार्टी को बात हो, तो मैंने रिजाइन दे दिया। परंतु इसका जनता का क्या कसूर है? जनता ने दिल खोल कर वोट डाले, मंडी की जनता ने, और ये भी कहा था, सांसद ने कहा था, और अपने को क्या मिलता है ये पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सी उन्होंने 4 सीट की थी, मेरे 4 सीट की ही है, पता नहीं क्या किया है उन्होंने। तो मैं तो अब कह रहा हूँ, मैं तो बाहर बैठा हूँ, मेरे कुछ इंक्वायरी करो, कोई लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हुई है तो कर इंक्वायरी करो। मेरा कुछ नहीं है कि राजनीति के अंदर कोई मैंने ऐसी बात करने की कोशिश की है, परंतु मेरा फैसला होगा लोगों का। मैंने अपने समय में काम करके बताए हैं, काम से अपनी पहचान बनाई है, अब लोग क्या फैसला करेंगे उस पर निर्भर करेगा।